चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। जब भी आप इसे खरीदेंगे तो इसके मुख्य पेज पर लिखा रहेगा, मेन पेज पर, आर्थिक विकास की समझ कक्षा 10वीं के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चैप्टर आपका खत्म कर चुके थे, विकास देख चुके थे। आज बात करेंगे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे, कुछ निर्देश दिए गए हैं इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें पढ़ लें, बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अभी कल ही मैं कहीं इंटरव्यू देख रहा था किसी का, तो वहां कोई बता रहा था कि बिना एनसीईआरटी पढ़े इसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। देखिए, हो गया होगा उसने, हो सकता है कि आपका एनसीईआरटी कक्षा 26 से ही पढ़ना शुरू कर दी हो। मतलब आप देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड रहता है, उसमें एनसीईआरटी शुरू से ही पढ़ाई जाती है, तो उनका हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोगों, अगर आप किसी बोर्ड से हैं, फिर चाहे एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार की बोर्ड हो गया, तो इसके लिए क्या रहता है कि बेस बनाने के लिए बहुत ही जरूरी रहती है। और आप जानते हैं कि आप 10th तक जो भी बुक्स पढ़ते हैं आपको याद थोड़ी रहती है, आप किस तरह से पढ़ते हैं उसे आप बेहतर जानते हैं। तो इसलिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की एक दो बार पढ़ लें। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं जब इसके घटकों या फिर क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रक वर्गीकरण अनेक मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। इस अध्याय में तीन प्रकार के वर्गीकरण की चर्चा की गई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, संगठित, असंगठित और सार्वजनिक, निजी। आप दैनिक जीवन में छात्रों से परिचित उदाहरणों के द्वारा इन वर्गीकृत क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्षेत्रों की बदलती भूमिका पर विशेष बल देना आवश्यक है। सेवा क्षेत्र की तीव्र समृद्धि की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हुए पुनः इन पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस अध्याय में प्रस्तुत धारणाओं की विस्तार से व्याख्या करते समय छात्रों को कुछ मौलिक अवधारणाएं, जैसे आपका राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार इत्यादि से अवगत कराने की जरूरत पड़ सकती है। चूंकि छात्रों को इसे समझने में सहायक अनेक क्रियाकलाप और अभ्यास के इस अध्याय में दिए गए हैं। किसी व्यक्ति के कार्यों को कैसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, या फिर संगठित या असंगठित, और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में रखा जा सकता है। आप छात्रों को उनके आसपास के कामकाजी लोगों, दुकान के मालिक, अनियत श्रमिक, सब्जी विक्रेता, कार्यशाला मैकेनिक, घरेलू नौकर इत्यादि से बात करने के लिए वे कैसे रहते हैं और काम करते हैं, और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर आर्थिक क्रिया गतिविधियों का स्वयं वर्गीकरण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एक से दो बार पढ़ते हैं तो आपको इस बुक्स में कोई ऐसा शब्द मिले जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपने देखा है एक, मतलब प्रैक्टिकल एक कह दीजिए कहानी का पूरा रूप समझाया गया है, रूप देकर। अगर आप बेहतर तरीके से धैर्य रख कर पढ़ते हैं तो सब कुछ समझ में आ सकता है। क्षेत्रों की भूमिका में परिवर्तन से होने वाली समस्याएं एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। इस अध्याय में बेरोजगारी और उसके निराकरण के लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके उदाहरण दिए गए हैं। कृषि के घटते महत्व और उद्योगों एवं सेवाओं के बढ़ते महत्व को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों के लिए किए गए आधिकारिक उदाहरणों से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप छात्रों को अखबारों की महत्वपूर्ण कथनों, विवरणों को लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिन्हें कथा पटलों पर प्रदर्शित किया जा सके, इन पर चर्चा कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र पर चर्चा करते समय कारगर श्रमिकों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। आप छात्रों को असंगठित क्षेत्र के लोगों तथा उद्यमों के पास जाकर उनकी वास्तविक जीवन परिस्थितियों का साक्षात अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि रोजगार, आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी अभी बहुत चर्चित है भारत में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। आप देखते थे एक समय आपकी फसल पर, मतलब कृषि क्षेत्र पर एक बड़ी जनसंख्या निर्भर रहती थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि उस पर कम दी जा रही है, उद्योग और सर्विस सेक्टर पर बढ़ती जा रही है। प्राथमिक क्षेत्र पर आपकी जनसंख्या घटती जा रही है, और सेकेंडरी और जो द्वितीय है और तृतीय
है इस पर बढ़ती जा रही है, सेवा क्षेत्र हो गया, उद्योगिक धंधे हो गए, इस पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इन्हीं सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे आज। इसमें आपने देखा होगा, इस जो भी ये बुक्स ली गई है इस अध्याय में, सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों, औद्योगिक उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित 2011-12 के मूल के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की वास्तविक समय पुस्तिका से लिए गए हैं। ये आपकी मतलब कहाँ से ये आंकड़े लिए गए इसकी बता रहा है। ठीक है, इन्हें बाकी याद रखिए। आपको ये नहीं समझना है कि ये नए हैं आंकड़े या पुराने, क्योंकि आप जब भी पेपर दे रहे होंगे तो आप बजट भी पढ़ रहे होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ रहे होंगे बेहतर तरीके से। अभी आपको केवल समझना है, एक तरह से आप सोचिए कि आप कल नई नई टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, कोचिंग अगर करेंगे तो उसमें भी आप लोग बेहतर बुक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको इतना ही समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बेरोजगारी होती क्या है, आय होती क्या है, क्या है प्रथम सेक्टर, क्या है द्वितीय सेक्टर, क्या है तृतीय सेक्टर, है क्या आखिर ये है क्या। आपको इन्हीं सबकी परिभाषा जाननी है, जिससे क्या हो कि आगे आप लोग जब भी जाए तो आपको सहूलियत हो। समझ रहे, आप उसी समय समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक नींव भरी जाती है, नींव किस लिए भरी जाती है कि आगे जो भी आप मकान बनाए वो मजबूत खड़ा रहे, इसलिए नींव भरी जाती है। वरना मकान तो आप धरती से बिना नींव भरे ईंटे रख के बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, हो सकता है आज बनाए कल गिर जाए। तो यही हाल है आपका। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रों की बात करें तो निम्न चित्रों को देखें, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करते, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करते, ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहां तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं, इन्हें समझने का एक तरीका है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप देख रहे हैं एक तरह से सर्विस सेट का काम कर रहा है, सर्विस सेक्टर का, कि प्रोवाइड करा रहा है ए गुम्मा ईटा। देखिए हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां, जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः ना कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का विकास और जलवायु पर निर्भर है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इस प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक विक्रियाएं, प्रक्रिया एवं चारा आदि को उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि में कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि उन सभी उत्पादों का आधार जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं, चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पादों कृषि, डेयरी, मत्स्य वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को कहने का मतलब यह है कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं, यानी कि प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर क्या है। निर्भर तो हर कोई है, लेकिन मेन आधार उसका क्या है। आप सोचेंगे कि आप पनीर बनाएंगे, सोचिए तो दूध पर आप निर्भर है, समझ रहे हैं, लेकिन दूध कहाँ से निकालेंगे, ये तो आप प्रकृति पर निर्भर करिएगा पूरा। आप गाय को चारा ना दीजिए, आप उसे कुछ खाने के लिए ना दीजिए, कहाँ से लेंगे आप लोग, समझ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से आपका उसी पर प्राथमिक क्षेत्र कृषि में देखेंगे तो देखिए सब्जी हो गया, समझ रहे हैं, गाय, कोल यानी कि कोयला, प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है ये सभी चीज। फिर आपका द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यह वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं, कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चा माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी
से ईंट बनाते हैं और ईंट से घर और भवन का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसे? द्वितीय सेक्टर को। अब आप देख रहे होंगे द्वितीय सेक्टर, ए सेट, बाकी कुर्सी देख, कार, जूता देख रहे हैं, इसे विनिर्मित वस्तुओं को उत्पादित। लास्ट में मैं बताता हूँ तीनों में कैसे आप फर्क कर सकते हैं। पहले हम लोग तीसरे सेक्टर को देख लेते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि होती है, जिसे हम लोग तृतीय सेक्टर क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उपयुक्त दो क्षेत्रों से ये भिन्न है। एक गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। एक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या फिर मदद करती है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक या खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों ट्रेनों का परिवहन करने की जरूरत होती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देख रहे हैं सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र आपका औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र को आप लोग सेवा क्षेत्र। ये तृतीय क्षेत्र जैसे देख रहे हैं ट्रेन की पटली, बाकी ये ट्रैक से भेजा जा रहा है, बूथ हो गया, ये आपका तराजू, ये आपका कंप्यूटर, अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। अब यहाँ आप लोगों को तीनों में फर्क बता दूं। सीधा सा आप लोगों ने गेहूं देखा है, गेहूं किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक में। जब आटा से आप लोग उसे आप समझते हैं कि आटा बनाएंगे, आटा से जो भी प्रक्रिया होगी, या फिर ब्रेड ले लीजिए या फिर कुछ और सामान, बिस्किट ले लीजिए, आप लोग ये बनाएंगे, ये कहाँ बनेगा? द्वितीय क्षेत्र में। फिर तृतीय क्षेत्र में क्या रखेंगे आप लोग? इसका आपने देखा होगा कि बेचा जा रहा है, यानी कि सेवा दी जा रही है, आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है, ये आपका तृतीय क्षेत्र हो गया। इसी तरह दूध ले सकते हैं आप लोग, दूध किस में हो गया? प्राथमिक सेक्टर में। आप सोचिए उससे आइसक्रीम बनाई जा रही है या फिर कोई चॉकलेट बनाई जा रही है, वो कौन से क्षेत्र में हो गया? द्वितीयक में। यानी कि उसका और अच्छा वर्जन, यानी कि उद्योग शब्द जहां भी आए, उसका मतलब विनिर्माण जहां भी हो, यानी कि उसका बेहतर प्रक्रिया बदली जाए। दूध को आप समझिए कि किस तरह से चॉकलेट में बदलेंगे, वो प्रक्रिया कहाँ होगी? वो सभी औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि द्वितीयक सेक्टर में। अब इस चॉकलेट को घर तक या फिर कहीं तक पहुंचाना है आपको, तो कौन पहुंचाएगा? सेवा के द्वारा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाएगा वो द्वितीयक सेक्टर होगा। इसमें आप परिवहन देख सकते हैं, फिर चाहे एक जगह से दूसरी जगह भंडारण करने की बात की जाए या फिर आप तक पहुंचाने की बात की जाए, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हम शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकार कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी आपकी, ये सभी भी सेवा क्षेत्र में आती हैं। आप डॉक्टर को देखते हैं, वो क्या देता है? आपकी सेवा देता है आपको। सेवा मतलब आपको कुछ सहायता कर रहा है, आप ही सोचिए ना, आपको सहायता कर रहा है। डॉक्टर को देखिए, शिक्षक को देखिए, धोबी को देखिए, नाई को देखिए, मोची को देखिए, वकील को देखिए, आपको कुछ सलाह दे रहा है, यानी कि आपको कुछ डिलीवर कर रहा है। ये आपका सर्विस सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आ गया, सेवा क्षेत्र में। यद्यपि आर्थिक गतिविधियों तीन विभिन्न वर्गों में विभाजित है, फिर भी बहुत अधिक परस्पर निर्भर है। हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं, तालिका आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण है। उदाहरण, कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होता है? मिल बंद हो जाएगी। या द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण जो प्राथमिक क्षेत्र पर पूरी तरह से निर्भर है, यानी कि कहने का मतलब है गन्ना किस क्षेत्र में आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र में। और आप सोचिए इस पर कौन निर्भर है? द्वितीय क्षेत्र, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो पूरी तरह से गन्ने पर निर्भर है, यानी कि इसके चीनी के लिए बात कर रहा हूं। आप सोचिए अगर वो गन्ना ही ना दे या गन्ना की फसल ही ना हो तो चीनी कहां से बना पाएंगे आप लोग?
कल्पना करें कि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती हैं और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर सकती है। ये आपका प्रथम सेक्टर को संदर्भित कर रहा है। अब सोचिए, इसे छोड़िए आप लोग कपास को, ये तो आपको समझ में आ गया अभी तक। दूध को ही ले लीजिए आप लोग, कि आपके यहाँ दूध अच्छा हो रहा है काफी और कोई खरीदने वाला ना हो तो आपके किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा? प्राथमिक क्षेत्र पर। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक, उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरक और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होता है? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप देखते रहिए। अब बात करते हैं, तीन क्षेत्रों की तुलना करते हैं, तीनों क्षेत्रों की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में हम लोग यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे कर सकते हैं, वो कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, आइए नीचे देखते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की गणना असंभव कार्य है। यह न केवल बेहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों की संख्या का युगफल कैसे कर सकते हैं। यह एक अत्यंत बेतुकी बात है, लेकिन मुझे इसे देख लीजिए यहाँ, लेकिन मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होगा ना चाहिए जिसका मैंने उत्पादन किया है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य होगा 80,000। कितना? 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इस प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है, उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। याद रखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि शक्कर को गिन के बेचा जाने लगे। देखिए, उन्हीं चीजों को गिनकर बेचा जा सकता है कि जिनकी आसानी हो, सहूलियत हो जिन्हें गिनने में। आप समझ रहे हैं? आप सोचेंगे अब भेड़ बकरियों को ठीक है गिन के बेचेंगे आप लोग देख के, एक एक करके, ठीक है। लेकिन आप सोचेंगे शक्कर या फिर कोई और इस तरह की चीज हो, पानी को आप कहेंगे या डीजल को कहेंगे आप गिन के बेचेंगे, नहीं। इनके लिए एक मापक बना दिया गया है। किलोग्राम में आपने देखा है शक्कर को बेचते हैं, डीजल पेट्रोल को आप देखते हैं कि लीटर में बेचते हैं, तो ये काम रहता है, ठीक है। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तुएं या सेवाएं की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं की गणना का ही उचित है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है, मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम दर में बेचा जाता है। बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में, कितना? 60 रुपये में, यानी कि 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्किट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। और याद रखिए, अब आपसे जो भी उपभोक्ताओं से पैसा लिया जाएगा अंतिम उत्पाद का लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 10 रुपये पहले आटा आपसे गेहूं के ले लें, फिर 10 रुपये उसके ले लें, फिर 15 इसके ले लें, नहीं, लास्ट में जो होगी वही। और याद रखिए, जैसे ही यह द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र में वस्तु की कीमत कम होती है, जैसे ही आगे क्षेत्र में चलेंगे सेकेंडरी, वहां वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि टेक्निकल, यानी कि आपकी उसमें कुछ भी निर्माण किया जा रहा है, समझ रहे हैं? उसके बाद तृतीय सेक्टर में इसकी कीमत और बढ़ जाती है।
इसीलिए आप देखते हैं कि कई क्षेत्रों में आप देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक रहता है, फिर सेकेंडरी का और अधिक, जो थर्ड होता है उसका और अधिक होता है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत हेतु विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्किट अंतिम वस्तु के मूल्य का 60 रुपये में पहले से आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होता है। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि जब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्किट के रूप में, तो मूल्य की कई बार गणना करते हैं। अब आपने गाड़ी खरीदने जाते हैं, आप लोग कार खरीदी, मान लीजिए आपने, आपसे ये तो नहीं कहता है कि बैटरी का अलग से चार्ज चाहिए, हमें टायर का अलग से चार्ज चाहिए, ट्यूब का अलग से चार्ज चाहिए, क्योंकि ये आप संभव नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि पूरा उसमें एक बता दिया जाता है कि ये कार आपकी 4 लाख की है या 5 लाख या 50 लाख, समझ रहे हो? क्योंकि इससे सहूलियत होती है। आप कहेंगे कि टायर कौन सा, फिर ये का कौन सा, एक एक पार्ट का सबका उसमें जुड़ जाता है, जो आपको 4 लाख लाख में जो भी कीमत बताई जा रही है उसमें पूरा उसका मटेरियल जुड़ जाता है पहले का। तो यही आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करती है। याद रखिए, अंतिम मूल क्या कहा जा रहा है, किसी भी तीनों सेक्टर का अंतिम मूल, यानी कि जो लास्ट में है। अब ऐसा नहीं है कि आपका आज गाड़ी की कीमत बता दी जाए और फिर आप सोचिए कि कल दूसरे को बेच रहे उसे भी बता दी जाए, नहीं, जो लास्ट में आएगा, आप टायर दूसरी कंपनी से खरीदते हैं और जी स्टरिंग दूसरी कंपनी से खरीद रहे हैं, लास्ट जो उसकी कीमत होगी उस वस्तु की, उसी ही को जोड़ा जाएगा, ठीक है। और यहां देखा आपने कि कितने सरल शब्दों में आपको सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा बता दी गई। तीनों क्षेत्रों यानी कि सर्विस सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें आप देखते हैं कि फसलें हो गई, बाकी जो निचले स्तर पर प्रोडक्शन हो रहा है जो प्राकृतिक रूप से पर निर्भर रहता है, यानी कि उनका प्राकृतिक आधार ही रहता है। द्वितीयक सेक्टर आप जैसे आर्थिक यानी कि औद्योगिक क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत, तृतीय सेक्टर जिसमें सेवाएं आती हैं आपकी। तो तीनों का जो अंतिम जो भी मूल्य होता है उसका योगफल का देश का सकल घरेलू उत्पाद कह देते हैं। और याद रखिए, क्षेत्र की सीमा के मतलब अंदर, यानी कि आपके देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, फिर चाहे विदेशी कंपनियों द्वारा हो रहा हो या अपनी कंपनियों द्वारा हो रहा, तो इसे जोड़ा जाता है देश के अंदर की सीमा के अंदर जो भी हो रहा है, ठीक है, यह आपका सकल घरेलू उत्पाद है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है, तब GDP का अनुमान करता है। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यानी कि कोई भी देश, आज आप विकसित देशों को देख लीजिए, चाहे विकासशील फिर अल्पविकसित, सभी की प्रक्रिया शुरू होती है प्राथमिक क्षेत्र से, पर एक समय के बाद द्वितीयक क्षेत्र आता है, तृतीयक क्षेत्र आता है। हम बताते हैं कि आपने हमारे देश में कहां समस्या हुई, हम लोग कहां पिछड़ गए, आखिर उस पर ही हम लोग बात करते हैं। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे और शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गईं और इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि में जुटे हुए। फिर भी इस क्षेत्र में आस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद
विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के विचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखाने में काम करने लगे। इन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा भी है। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुछ उत्पादन एवं रोजगार की सृष्टि दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। इस कारण अतिरिक्त समय भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्र का महत्व भी परिवर्तित होने लगा। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया। भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। याद रखिए, पहले हम क्या बोलते हैं उसे आराम से छोड़िए। आपको जो समझ में नहीं आएगा समझाऊंगा, जितना मेरी क्षमता है उतना मैं समझा सकता हूं। अब आप देखिए, प्राथमिक क्षेत्र है आपका, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन काम कर सकते हैं? आप सोचिए कि खेती कौन करेगा जो कम पढ़ा लिखा होगा। अक्सर हम विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, समझ सकता हूं कि कई ऐसे पढ़े लिखे बड़े बड़े IIT हैं भी हैं कि जो खेती कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अपने भारत की अधिकांश जनसंख्या की बात कर रहा हूं। जो आपने देखा होगा ज्यादा पढ़े रहते हैं, तो एक बुंदेलखंड में कहावत है कि कम पढ़े सो घर से गए और ज्यादा पढ़े सो हर से गए। उनका कहने का मतलब यही होता है कि अगर उनका बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ जाता है तो खेती करने में सहायता कभी नहीं करता है, उसे शर्म आती है माँ बाप की सहायता करने में। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही बात की जाती है। तो खेती में आप देखते हैं कि जो अनपढ़ है, जो मतलब ना पढ़े लिखे हैं, वही लोग खेती में काम करते हैं, ठीक है। और आप जानते थे एक समय तक खेती पर अधिक जनसंख्या हमारी, कई राज्यों में आपने देखा है कि 80% तक जनसंख्या वहां निर्भर करती थी कृषि पर पूरी तरह से। द्वितीयक सेक्टर में क्या हुआ कि आपने देखा कि कुछ उद्योग धंधे में कौन काम करेगा? जो थोड़ा जागरूक होगा, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, समझ रहे हैं, वही जाएगा ना यहाँ। तो इसमें सबसे ज्यादा रोजगार आपके द्वितीयक क्षेत्र में ही मिलते हैं। और फिर तृतीयक क्षेत्र में कौन आएगा? जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो जागरूक होगा, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए उसे, आप समझ रहे हैं, इस तरह से जागरूक बहुत पढ़ा लिखा, ये तृतीयक क्षेत्र में। तो हमारी समस्याएं आखिर कहाँ रह गई? हम लोग पिछड़ कहाँ गए आखिर? क्योंकि चाइना देख रहे हैं आप लोग, चाइना हमारे 2 साल बाद आजाद होता है, हम लोग 1947 में हो जाते हैं, वो जाके 1949 में होते हैं। आखिर हमें प्रॉब्लम कहाँ हो गई? तो प्राथमिक क्षेत्र की दशा हमारे देश में ठीक रही, इसमें कोई कमी नहीं रही। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि द्वितीयक क्षेत्र को ना संभालते हुए, कम जोर देते हुए हम लोग डायरेक्ट तृतीयक क्षेत्र में पहुंच चुके। और आप समझ सकते हैं कि आप सोचिए कि आप लोग कक्षा 9वीं में, कक्षा 10वीं की परीक्षा दिए, कक्षा 11वीं में पहुंच जाएंगे, आप लोगों के पास नॉलेज कम रहेगा, आपको फायदा कम होगा। तो यही हुआ हमारे देश की प्रॉब्लम कि हम लोगों ने नई नई टेक्निक नहीं बनाई, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया। आज आप राफेल की बात कर रहे हैं, राफेल विमान आप लोग फ्रांस से खरीद रहे हैं, हम लोग खुशी मना रहे हैं। आप सोचिए कि हम लोग 5 अगर खरीद रहे हैं, 5, 10, 16 आपके देश में जितने भी आते हैं, एक बात आप लोग दिमाग जोर डाल के देखिए, क्या फ्रांस से पूरी दुनिया डरती है? हम लोग कह रहे हैं कि 5, 16 जितने भी आप लोग उनके 5 आ रहे हैं पहले, फिर उसके बाद 16 तक आएंगे। तो आप सोचिए क्या हमसे दुनिया डरने लगेगी अगर हम लोग राफेल खरीद लेते हैं? तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए फ्रांस से हर पूरी दुनिया डर रही होती। हमें सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होनी चाहिए जब राफेल जैसे विमान हमारे देश में बनाए जाए, आप समझ रहे हैं। औद्योगिक हमारा मतलब द्वितीय सेक्टर इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि हर चीज हम अपने देश में प्रोडक्शन करें, तभी हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आज हम लोग 4 से 5%, मतलब आप देखिए कि अगर आप के देश में 5 फोन बिक रहे हैं मान लीजिए, तो उनमें से 4 फोन आपके चाइनीज कंपनियों के, तो हम आत्मनिर्भर कहाँ से हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं। आज जो राफेल हम लोग खरीद रहे हैं बड़े खुश हो रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं, खुश उस दिन होगा जिस दिन मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी बेहतर हो जाएगी कि हमारे इतने अच्छे इंजीनियर हो जाएंगे कि राफेल जैसे विमान और से बेहतर
विमान हमारे देश में बनेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि आत्मनिर्भर है हम लोग पूरी तरह से। आज चाइना को देखिए, अधिकतर वो विमान अपने रखे हुए हैं, इसलिए भरोसा भी कर सकते हैं, वो भरोसा करता है अपने आप पर, और हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसे बनाना होगा। आप सोचिए आज की फ्रांस से हम लोग खरीद रहे हैं और फिर भी खुश हो रहे हैं, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? ये तो वही हुआ कि हम मतलब पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी हम मतलब दूसरा वकील वकील रख लें, उसे पैसे देते रहे और हम कह दें कि पढ़ लिख गए हम, अपना काम करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब हम खुद पढ़े लिखे हों, हम मैं खुद समझ में हो समझो, तब हमें खुशी होने की या घमंड करने की जरूरत हो सकती है। और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए आप सोचिए कि ये क्वेश्चन दिए गए, और इसके लिए आप समझिए कि इस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। ठीक है, आज हम लोग अगर दूसरे देशों पर निर्भर हैं तो उसे कम करने के लिए हमें अपने यहाँ इंजीनियर, आप देखते हैं कि बेहतर जो भी आपके इंजीनियर होते हैं, जो आपके देश के बेहतर डॉक्टर होते हैं, बेहतर जो आपके देश के अर्थशास्त्री होते हैं, वो विदेशों में चले जाते हैं भागकर, क्योंकि उनके लिए यहाँ हम लोग व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं उतनी अच्छी। तो आप समझते हैं, अब आपने देखा होगा कि फिर चाहे आपके रंग राजन साहब को ले लीजिए, या फिर चाहे दूसरे अभिजीत बनर्जी साहब को देख लीजिए, वो विदेशों यानी कि बाहरी देशों में क्या क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों वहां काम कर रहे हैं, हमारे देश के हैं, हमें अपने देश में रखना चाहिए था, ऐसी सुविधा उनके लिए उपलब्ध करानी चाहिए थी, नहीं करा पाए, यही आखिर पिछड़ने का कारण बना हुआ है। आत्मनिर्भर भारत पर चाहे मेक इन इंडिया कोई भी देखिए, सबकी धज्जियां उड़ती रहेंगी जब तक कि हम खुद ना पढ़ाई लिखाई पर अपनी जो भी शिक्षा प्रणाली है उसे सुधार ना करें, उसे बेहतर दिशा ना दें, तब तक सभी धरी धरी रह जाएंगे। ठीक है, एक तरफ हम लोग आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, और एक तरफ हम लोग 70 से 80% तक दूसरे देशों पर निर्भर हैं सामानों पर, तो इसमें आत्मनिर्भर कहां से बना पाएंगे हम लोग? 70% को 0% पर लाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, समझ में आया आपको? आलेख तीनों क्षेत्रों को द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 1973-74 और 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए ये आपकी 1973-74 की बात है, समझ रहे हैं आप? यानी कि आप देखिए, एक आपको समझ में आ रहा है, रुपए करोड़ में है आपका। ठीक है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है, रेड थोड़ा रेड दिख रहा है, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र। अब हम चलते हैं कि 2013-14 में, ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र भी बढ़ा है, ऐसा नहीं कि प्राथमिक क्षेत्र घट गया है बिल्कुल, द्वितीयक क्षेत्र भी बढ़ा है देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपने वृद्धि किसमें देखी है? तृतीयक क्षेत्र में। किसमें? तृतीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में हम लोग वृद्धि देखी है, तो आप सोचिए द्वितीयक क्षेत्र पूरी तरह से बिगड़ चुका है हालत इसकी, तो इसी का हम लोग फायदा नहीं उठा पाए। पहले आपका प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए था कि द्वितीयक क्षेत्र पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए था, और द्वितीयक क्षेत्र पर अगर आप पूरी तरह से ध्यान देते तो तृतीयक क्षेत्र अपने आप सुधर जाता। आप सोचिए फ्रांस से हम लोग राफेल खरीद रहे हैं, तो उसने क्या किया कि उसने प्राथमिक क्षेत्र पर अब तो बल दिया ना, प्राथमिक क्षेत्र से वो द्वितीयक क्षेत्र में गया हो, प्राथमिक में दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उसने उद्योग मतलब जो जहां भी राफेल बनाए गए होंगे उस पर बेहतर उसने काम किया है, तो आप सोचिए कि तृतीयक क्षेत्र अपने आप विकसित हो गया, क्योंकि दूसरे देशों में मांग बड़ी राफेल की, तो आपने खरीदे हैं, तो उसका तृतीयक क्षेत्र अपने आप संभल गया, तो यही हमें करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। अब चलते हैं हम लोग उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व यानी कि बढ़ते प्रभाव की बात करते हैं। इतना देखिए, आप पता है आपको कि हम लोग जब आपका इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या फिर कोई और बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन साइंस में हम लोगों का इतना मजा नहीं आता है। अब देखिए मैं भूल जाता हूं कि बैटरी लो हो चुकी है लैपटॉप की, क्योंकि जब आपका पता है कि साइंस में क्या है, हम लोगों को मजा आता है, कब आता मजा? जब हम लोग प्रैक्टिकल या प्रयोगशाला में बैठकर वो काम कर रहे होते, खून के बारे में देख रहे होते कि आखिर खून कितना गाढ़ा है,
कैसे है? आप फिर देख रहे हैं तो ये हड्डी है, ये अच्छा ये गुर्दा है, अच्छा ये किडनी है, अच्छा ये हृदय है। इस तरह से हम लोग हार्ट देख रहे होते तब हमें मजा आ रहा होता, लेकिन हम सबसे ज्यादा बोरिंग हमें किस में होती है? साइंस में, पढ़ने में, क्योंकि वो प्रयोगशाला की मांग करता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रयोगशाला में जाकर बात करते हैं। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि आपको तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के रूप उत्पादन में देखी गई। परिणाम तो वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है हो गया है? इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाएं, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार, सेवा थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है, वो ये आपके तृतीय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देशों में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। किसके पास? सरकार के पास सभी सेवाओं की रहती है। फिर आपका द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो द्वितीय क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के विकास में से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। अब आपसे कहा था ना मैंने कि अगर हम लोग द्वितीय क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे लेते तो आज हम लोग कहाँ होते आप सोच सकते हैं। तृतीय क्षेत्र जैसे आय जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यवसाय, प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में विशेषकर बड़े नगरों में इन द्रुत परिवर्तनों को देख सकते हैं। और समझिए आप लोग कि जब भी आपके पास इनकम होने लगती है तो आप तृतीय क्षेत्र को वैसे भी बढ़ावा देने लगते हैं। अगर आपके पास आय नहीं है तो आप कम ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही नहीं हुआ, ठीक है आप मान सकते हैं कि सही हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन एक बेहतर प्रक्रिया में हम लोग चलते हैं तो मेरा मानना है कि हम लोग भी विकसित देशों की श्रेणी में जा खड़े हुए होते। सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्रों की हिस्सेदारी है आपके 50% में है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्राथमिक क्षेत्र 40%, 1974-73-74 की बात कर रहा हूं, द्वितीय क्षेत्र आपका 50%, और सॉरी 50% का 10%, और द्वितीय क्षेत्र आपका 50%। यहां से जोड़ेंगे ना हम लोग तो प्राथमिक क्षेत्र 40% और द्वितीय क्षेत्र में 10% और बाकी सर्विस सेक्टर में 50% का योगदान रहा है। अब हम लोग चलते हैं 2013-14 में, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि 10-12% आपको प्राथमिक क्षेत्र यानी कि घटा है। उसके बाद आप द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ आपको वही आपको 20% के करीब देखने को लगभग मिल रहा है, यानी कि ये भी बढ़ा है। और आप द्वितीय क्षेत्र की बात करें हम लोग तो इसमें आपको सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, ये आपकी 60-68% के करीब। याद रखिए पीछे हम लोगों ने रुपये में देखी थी वैल्यू में, आज हम लोग प्रतिशत में देख रहे हैं इस समय, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है और अध्याय 4 में हम लोग नवीन सेवाओं यानी कि नई सेवाओं और इसके प्रसार के कारणों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक ओर उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शैक्षिक सेवकों को रोजगार मिलता है, दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानें, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में पढ़ेंगे। हम लोग अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं?
आलेख दो में सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत की करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्र के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। आरेख तीन में वर्ष 1972-73 और 2011-12 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों को में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियुक्ता यानी कि रोजगार आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोग देख ही चुके हैं। इसे आप लोग देखिए, रोजगार क्षेत्रों की हिस्सेदारी आप 1974 में देखेंगे तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग निर्भर रहते थे इस पर रोजगार पर, ये आपके 74%, और द्वितीय सेक्टर में 11%, और सेवा सेक्टर में आपका 15%। और अगर हम लोग 2011-12 की बात करें तो 49% लोग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं और 24% आपकी द्वितीय सेक्टर पर, और द्वितीय सेक्टर पर आपका 27%। यानी कि कहने का मतलब है 1974 के बाद से प्राथमिक क्षेत्र में तो गिरावट आई है निर्भरता में, लेकिन द्वितीय और तृतीय सेक्टर में बढ़ोतरी देखी गई है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का एक ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार की पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है, यानी कि द्वितीय और तृतीय जो क्षेत्र है ये रोजगार का सृजन नहीं कर पाया अच्छी तरह से। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है, सेवा क्षेत्र में उत्पादन में आपकी 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि देखने को आपको मिली है। या आपको बता दें, आपने देखा होगा कि जहां खेती में आपके एक आदमी का काम हो वहां 10 आदमी को लगा देखेंगे आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये कोई तरक्की नहीं हुई है। तरक्की तब होती है, आप सोचिए कि एक आदमी का काम है तो एक आदमी संभाल रहा, बाकी 10 में से 9 मेंबर आपके फैमिली के दूसरे यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे होते या थर्ड सेक्टर में काम कर रहे होते। इससे क्या होता कि आपके घर की स्थिति भी सुधरती और आए आपका पारिवारिक जो भी जीवन रहता वो भी बेहतर रहता। आप समझिए, अब एक आदमी का जहां काम है वहां 10 आदमी काम करके क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं। अगर 10 रुपए की इनकम पहले हो रही होगी तो 10 ही की बाद में होगी, समझ रहे? परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र यानी कि मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है, यानी कि बहुत कम है। इसका तो इसकी तुलना में द्वितीय को तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 4-5% आकर 4/5 भाग हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ है कि कृषि में क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप समझिए कि जो याद रखिए द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है उसका हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद में अधिक है, लेकिन रोजगार में कम योगदान है। क्या है? रोजगार में कम योगदान है। और जो प्राथमिक सेक्टर है जैसे कृषि क्षेत्र है, इसमें आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें योगदान कम है, लेकिन इसमें रोजगार अधिक दिए हुए। क्या इसका अर्थ है? यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, जो मैंने बताया ना वही काम है इसमें। अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है। ये आपका कई बार पूछ लिया गया है प्रीलिम्स में, इस तरह के क्वेश्चन अधिक बन जाते हैं कि अल्प बेरोजगारी आपको कहां देखने को मिलेगी। तो याद रखिए कृषि क्षेत्र में। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं हम लोग, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। इसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है और कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम है प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है,
परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है, यह अल्प रोजगार की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं हम लोग, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रचंड बेरोजगारी भी हम लोग कहते हैं। एक बात आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं बहुत अच्छे से। आप सोचिए, आपके पास एक खेत है, ठीक है, आप 5 लोग हैं परिवार में, ठीक है, इस खेत की इतनी क्षमता है यानी कि एक आदमी इसे संभाल सकता है, पानी भी दे सकता है, इसे काट भी सकता है, इसे घर भी ला सकता है, इसमें जो भी फसल हो सभी काम एक आदमी कर सकता है, और आप देखते हैं कि 5 आदमी इस पर लगे हुए हैं, तो क्या होगा? आप सोचिए, अगर 5 लगे हैं तो क्या होगा? उत्पादन तो बढ़ेगी नहीं, आप ही सोचना कि उत्पादन ऐसा तो है नहीं कि 5 लोगों के लगने से जितना एक कर रहा था उसका 5 गुना हो जाए, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग इन्हें 4 को बेहतर यहाँ से यही होता कि इन्हें 4 को हटा देते और या तो द्वितीयक क्षेत्रक में या तृतीयक क्षेत्रक में लगा देते तो हो सकता था, देखिए अपने परिवार की स्थिति तो सुधारते, साथ में ही अपने देश की योगदान भी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में भी योगदान देते। लेकिन अधिकतर हम लोग देखते हैं किसानों में इस तरह की प्रचंड बेरोजगारी यानी कि कह सकते हैं कि अल्प बेरोजगारी देखने को आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं, हम अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या फिर 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, चूंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती के लगे हुए थे, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखानों में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि हो गई और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है बेहतर। आप में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं, इसका अर्थ है कि हम यदि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुछ कुल आय में वृद्धि होगी। मैं देखता हूं कि हमारे देश के किसानों की सबसे बुरी स्थिति यही है कि जहां एक आदमी का काम है वहां पूरा परिवार उस पर लगा रहता है। और एक बात आप सोचिए कि हमारे यहाँ की जो भी कृषि या खेती है वो मानसून पर निर्भर रहती है, इसीलिए मानसून का जुआ कह देते हैं कृषि क्षेत्र को। आप सोचिए कि जब मानसून खराब हो तो पूरी तरह से फसल अगर चौपट हो जाए तो आप समझिए परिवार रोड पर आ जाता है, सुसाइड करने की यानी कि आत्महत्या करने की नौबत आन पड़ती है। अगर आप सोचिए कि ये सभी 5 मेंबर थे, इनमें से 4 अगर दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे तो परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर फसल खराब हो जाती है दूसरे क्षेत्र पर भी तो आय हो रही है, उससे काम चला लेंगे अपना। मैंने कई बार सुझाव भी दिया है, इकोनॉमिक्स पढ़ने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि आपको परीक्षा पास कर लेनी चाहिए, नहीं, मैं कहता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो आपको जिंदगी में ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप किसी दूसरे के हाथों की तरफ देखते रहे पैसे के लिए या अपनी जीवन चलाने के लिए। आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आप देखिए कि आप खेती है आपके पास, बेहतर करिए, मैं मना थोड़ी करता हूँ। उसमें आप देखिए कि एक पशुपालन भी करने लग जाइए, मुर्गी पालन भी करवाना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा आप समझिए घर में काम कर सकते हैं, 2 से 4 भैंसे बांध लीजिए, आपका जो भी चारा होगा उसी से चलता रहेगा और आय भी बढ़ जाएगी आपकी, परिवार की स्थिति भी आपकी सुधर जाएगी, तो समझ सकते हैं। लेकिन अधिकतर किसानों में इस तरह की हम लोग रखते हैं, वो पशु रखते हैं लेकिन अपना दूध के लिए अपना घर का काम चलाने के लिए नहीं, एक बड़ा काम कर रही है जैसे आपको कर ही रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं आप लोग तो अपनी जितनी क्षमता है उससे मैं तो कहता हूँ ज्यादा तक करिए। आप खेती कर रहे हैं तो उसमें जितने काम धंधे हो सकते हैं उन्हें भी करिए, समझ रहे, तो आपकी तो स्थिति बदलेगी, देश की भी बदलेगी और सर साथ में आपके जो भी बच्चे होंगे उनकी भी स्थिति बदलती दिखाई देगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकती है, उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, वे प्लम्बर पेंटर मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग सुविधाजनक विषम काम करते हैं, इनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम काम आ पाते हैं।
काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। सीधा सा कहने का मतलब है आप प्रिंटर को रोज तो रखते नहीं है, मरम्मत वाली कार्य को करवाने वाले को आप कारीगर को डेली तो काम देते नहीं है। अगर आप सोचिए कि इनकी डेली अगर इन्हें काम मिलना लगे नियमित रूप से तो इनकी भी जिंदगी में बदलाव देखने को मिल सकता है। और रोजगार में देखिए बेहतर होगा कि आप लोग स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए। तो आप समझिए कि अगर एक व्यक्ति आपकी किसी योजना पर निर्भर है, अगर वो आप अपना काम धंधा जमाता है तो उसमें कम से कम खुद तो निर्भर रहेगा, साथ में 10 परिवार को और रोजी मतलब 10 परिवार और उस पर डिपेंड हो जाएंगे क्योंकि वो नौकरी सृजित करेगा यानी कि नौकरी बनाएगा। समझ रहे हैं? आप ही सोचिए कि एक आदमी ने एक मान लीजिए कि 10, 25, 50 जो भी गाय हो या गौशाला खोली हो या एक तरह से भैंस पालन करवाया या मुर्गी पालन, तो अकेला तो ऐसा है नहीं कि वो उस पर अकेला निर्भर अकेला काम करते रहेगा, नहीं उसके लिए दो चार आदमी की जरूरत पड़ेगी। दो चार आदमी को वो रोजगार दे रहा है, उसके यहाँ से जो भी दूध होगा वो दूसरा खरीदने वाला होगा। आप सोचिए दूध खरीद रहा है उसका रोजगार हो गया, उस पर जो भी काम करने वाले होंगे आप देखते होंगे दूध डेयरी में जो भी लगे होंगे वो भी उन्हें भी रोजगार मिलेगा। आप सोचिए उससे दूध डेयरी से आगे जो भी जहां भी जा रहा होगा वो सामान आइसक्रीम हो गया फिर चाहे आपकी चॉकलेट हो गई तो वहां भी तो कोई पहुंचा रहा होगा तो उसे भी रोजगार मिलेगा। आप सोचिए मुझे लगता है कि एक धंधा रोजगार आप यानी कि कोई भी उद्योग खड़ा करके 100 आदमी तक यानी कि उससे भी कई लोगों को आप लोग रोजगार दे सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि शिक्षा को हमें सुधारना होगा। समझ में आए? क्योंकि आप अभी भी देखते हैं कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र इस तरह से मतलब बुरी तरह से निर्भर रहता है। आप सोचिए कि बरसात या तो आप फसल कटने के समय आप देखते हैं कि जो भी जनजाति होते हैं चाहे फिर आपके आदिवासी हो फिर चाहे आपके ST ST वाले कोई भी हो मतलब ये सभी फसल के मौसम पर निर्भर रहते हैं कि कटने पर आए उस समय इन्हें रोजगार मिल जाता है या फिर बुवाई के समय इन्हें रोजगार मिलता है, बाकी टाइम में लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित रहते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं अभी देखते रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अतिरिक्त तो रोजगार सृजन कैसे हुआ, आखिर हम रोजगार कैसे उत्पन्न किया जाए। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसी की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु ये कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकती है। ये आप लोग देखते भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं के लिए पैसा आता है तो उसी की बात की जा रही है। अब लक्ष्मी अपने भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उग जाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टर हेक्टर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों बीज डालने पानी देने खाद डालने और कटाई में तक 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इसमें कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे, अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप खत्म हो सकेगी। यहाँ आपने देखा है, आपने देखा होगा कि बांध बनते हैं, छोटे छोटे कुएं खुदते हैं, छोटे छोटे डैम बनते हैं। इनमें अधिकतर इसलिए बनवाया जाता है, इसलिए नहीं बनवाया जाता है कि एक दिन में बन के खड़ा हो जाए जल्दी से जल्दी, नहीं, इनमें जो भी काम हो वहां के जो भी ग्रामीण क्षेत्रीय इलाके के लोग हैं उन्हें रोजगार मिले। लेकिन हम क्या देखते हैं कि सरपंचों को देखिए फिर चाहे आपके विधायकों को देखिए, ये लोग क्या करते हैं कि उन्हें या तो कोई किसी मशीन से बनवा दिए जाते हैं, मतलब इतना टाइम नहीं देते हैं उन्हें रोजगार का, वहां मतलब ही नहीं रहता है। अभी मैं कहीं कल ही परसों पढ़ रहा था कि जो वहां पुलिया का काम आया हुआ था कुएं का काम आया था तो उन्होंने एक GCB यानी कि मशीन LLT लगा के उसकी कुएं को खुदवा दिया है 1 से 2 घंटे में। आप समझिए जिसे मतलब 20 दिन 25 दिन लगते उस काम को 1 घंटे में आप करवा दे रहे हैं, और जहां कम से कम 20 आदमी का रोजगार था उसे एक मशीन ने 1 दिन में काम खत्म कर दिया। तो इससे रोजगार खत्म ही होगा, तो बेहतर होगा कि इन मशीनों का कम ही प्रयोग करें, जहां जरूरत है वहां प्रयोग करिए लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां रोजगार देने की कोशिश करिए। ठीक है, इससे भी आप बढ़ा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने का की भी आवश्यकता होगी
इसलिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच पाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कारण से केवल किसानों को ही उत्पादक बेरोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है बल्कि परिवहन और व्यापार जैसे सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। मैं कहता हूँ पता है वो तो उसी तरह है कि हम लोग एक पत्ता दूसरे पर निर्भर है, एक पेड़ किसी और पर निर्भर है, हम किसी और पर निर्भर है, यानी कि पूरा प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर है। आप सोचिए कि पेड़ खत्म हो जाए तो हम लोग हमारी जिंदगी संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जब आप लेते हैं तो पेड़ों द्वारा ही उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर ऑक्सीजन में बदला जाता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ रहे हैं तो वो पेड़ यूज कर रहे हैं, वो आपका ऑक्सीजन में बदल रहा है। इस तरह से एक पूरी चक्र चल रहा है। आप सोचिए कि एक गांव है, वहां पहले बांध यानी कि सिंचाई की सुविधा नहीं थी, पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहते थे वहां के किसान, तो ना के बराबर उत्पादन होता था। लेकिन अब सोचिए उसके बाद बांध बनाए गए, कुएं बनाए गए, उसके बाद बेहतर फसल होने लगी तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप सोचिए कि उनकी स्थिति सुधरेगी, उनके यहाँ फसल इतनी होने लगेगी और वो पशुपालन भी करने लगेंगे, सभी सुविधाएं यानी कि जितना हो सकता है वो उतना करने लगेंगे। तो आपको वहां तक एक सड़क पहुंचानी होगी। क्या सड़क पहुंचानी होगी? अब सड़क बनवाएंगे तो इसमें भी तो रोजगार उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं? फिर उसके बाद आप वहां से जो खरीदेगा उसे रोजगार, उसके बाद जहां बेचेगा उसे रोजगार, लादने वाले यानी कि जो आप देखते हैं भाड़ा करने वाले जो कंधे पर अपना मेहनत करके करते हैं उन्हें भी रोजगार। इस तरह से आप देखेंगे कि एक पूरी कड़ी बन जाएगी, समझ रहे? जहां कुछ नहीं उत्पादन हो रहा था आज देखिए कितने रोजगार उत्पादन कर दिए। तो आप समझिए इतना करना होगा। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों और वर्कों की, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकार से पैसा उधार लेना होगा, उच्च ब्याज दर पर वापस करना होगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करते हैं तो वह इन चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि को पर बेचने का वह सक्षम होगी। तात्पर्य है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख में भी प्रदान करने की जरूरत है। हम अध्याय 4 में मुद्रा एवं साख में कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। एक याद सोचिए, आप लोग कभी एक व्यक्ति को पढ़ा लिखा देते हैं यानी कि उसे एक सक्षम बना देते हैं तो वो अपनी जिंदगी नहीं सुधारता है, वो कई लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ता है। आप देखिए आपने एक फुआ बनवा दिया या फिर बात करवा दिया, उसके बाद देखिए कितने मतलब जरूरत हो रही है वहां, उर्वरक की जरूरत हो रही है। आप सोचिए ये भी तो देश की GDP में यानी कि देश को आगे बढ़ाने में सहायक होगा कि नहीं होगा? जो कल तक दूसरे पर निर्भर रहता था, आपके बिजली माफ या आपका कर्ज माफी पर रहता था, वो आज इतना उत्पादन करने लगा है कि दूसरा मतलब दूसरे उसके रोजगार दे रहा है दूसरे लोगों को। तो इसे भी इस तरह से कर सकते हैं। देखिए निचले स्तर से ही हमें सुधार करने की आवश्यकता होगी। हम एक अन्य तरीके से समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। वह तरीका है कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों उद्योगों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं, यानी कि वहां रोजगार। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर दलहनी फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इसकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसी ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा और वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकते हैं। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँव में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत भी कर सकते हैं जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकते हैं। सब्जियों और किसी का उत्पादन जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सकता है के लिए प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है और यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। एक बात और, हमेशा किसानों की सोचिए, किसी भी गरीब व्यक्ति की क्या जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आगे फ्री का उन्हें देने की आदत पड़ेगी आपको।
एक मतलब आप सोचिए किसान को क्या जरूरत रहती है, उसे टाइम से पानी मिलता रहे, उसे अपनी जो भी फसल उत्पादन हो रहा है उसका अच्छा बेहतर मूल्य मिलता रहे। तीसरा आप देखते हैं कि उन्हें ऋण की जरूरत पड़ती है, आप सोचिए बुआई के समय उन्हें ऋण की जरूरत पड़ रही है, तो उस समय आप सोचिए कि उन्हें ऋण मिलता रहे सस्ती दरों पर, साहूकारों से वो ऋण लेते हैं तो आप जानते हैं किस तरह से उसका ब्याज रहता है उनका। चीन का वही हाल है जो आजकल साहूकारों का आप लोग देखते थे कि एक समय क्या करते थे कि किसानों को इतना ब्याज ऋण दे देते थे कि उसका ब्याज चुकाने के लिए भी किसान साहूकार पर ही पूरी तरह से निर्भर हो जाते थे। आज चाइना भी वही काम कर रहा है कि क्या करता है, पाकिस्तान को आप देखिए इतना ऋण दे चुका है कि अब उसका जो भी ब्याज चुकाना होता है उसका भी ऋण वो चाइना से लेकर ही चुकाता है। और कुछ समय बाद आप देखते थे कि जो भी साहूकार होते थे उनकी किसानों की जमीन छीन लेते थे, तो यही हाल था। क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग आपका 60% बच्चे हैं, इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर ही रहते होंगे या फिर उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग पूर्व में वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग आपके 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता हो पड़ेगी। एक कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा, हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे जिन पर हम लोग अध्याय एक में बात कर चुके थे। आपको और बता दूंगा, यहाँ जो योजना आयोग है आपका 1950 में लाया गया, लेकिन जो नीति आयोग है ये आपका योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 1 जनवरी 2015 को ला दिया गया। एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, कई बार रिपोर्टें आती है आपकी, उसमें बताया जाता है कि जहां 2 से 3 शिक्षकों की जरूरत है वहां एक ही शिक्षक काम कर रहा है। तो आप सोचिए कि सभी सब्जेक्ट एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है तो बच्चों पर क्या असर पड़ता है इसका, ये अलग बात है, लेकिन वहां रोजगार का क्या फर्क पड़ता है ये भी आप समझ सकते हैं। कई आप देखते हैं कई गांव में 15 से, मैंने देखा है कि 10 से 15 किलोमीटर दूर दूर तक भी आपको स्कूल देखने, स्कूल क्या जो उच्च स्तर के स्कूल हैं कक्षा 10वीं 12वीं ये नहीं देखने को मिलेंगे। और आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की तो खस्ता हालत देखी होगी, 5 से 7 7 किलोमीटर तक कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, 20 20 किलोमीटर तक कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी बसे हुए अभी भी, या हैं तो वही झोला छाप डॉक्टर हैं जो फीस भी ज्यादा लेते हैं और इलाज भी नहीं करते हैं। जिसे मलेरिया रहता है उसे भी इंजेक्शन लगा देते हैं मलेरिया का, और जिसे नहीं है उसे भी मलेरिया का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो यहां भी आप रोजगार पैदा कर सकते हैं। खैर छोड़िए, प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना और सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए योजना एक के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। पर्यटन का मतलब ये कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि आगरा आता है कोई घूमने के लिए, जो आपके ऐतिहासिक जो भी हैं वहां घूमने के लिए पर्यटन स्थल, उनकी उन्हें घूमने के लिए, उन्हें देखने के लिए आता है। आप ही सोचिए, आप लोग भी कहीं दूसरे शहर से यानी कि आगरा से आप कई किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, वहां आप जाते हैं तो वहां आप घूमेंगे तो वहां कोई आपको गाइड करने वाला होगा, बताने वाला होगा कि ये है, इसकी स्थापना हुई, ये हुआ ये हुआ, ठीक है। उसके बाद आप वहां खाना खाएंगे तो वहां जो भी होटल होंगे उनमें भी उनका भी काम चलेगा। आप सोचिए वहां जो बनाने वाले हों उन्हें उनके भी उन्हें भी रोजगार मिलेगा। आप सोचिए फिर आप कहीं रुकेंगे तो वहां भी आप लोग देखेंगे कि कहीं इस तरह का व्यवस्था हो जाए होटल की जहां आपको बेहतर सुविधा, तो वहां भी रोजगार आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से भी आप समझिए कि जितनी सुविधाएं आप लोग कर सकते हैं उससे भी रोजगार सृजन हो सकता है। भारत में कई क्षेत्रों में आप लोग रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि सरकारी नीतियों की, फिर चाहे ले लीजिए सरकार की कमी या राजनेताओं की कमी देख लीजिए, यही देखी गई है। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों
सुझाव के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हम कुछ द्रुत उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। मनरेगा, ऐसे ही कहते हैं आप लोग। मनरेगा के अनुसार 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस समय उस तरह के कामों में को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए नीति तो बनी है, आपने देखा है राजीव गांधी भी चिल्लाते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी चिल्लाते रहे कि हम ऊपर से पैसा भेज रहे हैं 1 रुपये और नीचे जाके मिल रहा है 12 से 15 पैसे। तो ये बीच का जो भी पैसा है कहीं गुम हो गया है, कहीं चला गया है। तो इस प्रक्रिया को पूरा सुधारने की आवश्यकता है। आप दूर ही मत जाइए, आप लोगों को क्या करना है कि आपको आपके जहां भी रह रहे हैं आप लोग इस मनरेगा के बारे में आंकड़े इकट्ठे कीजिए। आप लोग देखिए कितने लोगों को मतलब काम मिल रहा है। मैं तो जानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग आपके काम करने के इच्छुक हैं यानी कि उन्हें रोजगार की जरूरत है, लेकिन कितने लोगों को मिल रहा है? अधिकतर लोग तो रोजगार गारंटी मनरेगा के बारे में परिचित ही नहीं है, उससे परिचित ही नहीं कि उनका अधिकार है कि वो जाके आपके सरपंच जो भी हो आपके स्थानीय प्रशासन में उससे काम मांगे कि हमें काम की जरूरत है। और इसी का फायदा उठाते हैं कि जब कोई जनता जागरूक नहीं रहती है तो ये क्या करते हैं कि रोजगार जो भी मनरेगा कार्ड होते हैं फर्जी कार्ड बनाकर सरपंच और सचिव मिलकर घापला करते रहते हैं। मैंने कई जगह अभी भी देखा है कि इस तरह का काम धड़ल्ले से चल रहा है। अन्ना हजारे साहब की वही बात मुझे याद आती है कि देखिए लोकतंत्र या फिर किसी देश की का आधार हो उसका आधार जागरूक व्यक्ति ही हो सकते हैं। अगर आपके देश में जागरूकता है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपने देश को कितनी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में देखेंगे आप लोग कि अक्सर आपको जागरूकता की कमी देखने को मिलेगी। ये आप क्वेश्चन है, इन्हें भी आप देख सकते हैं आराम से। तब हम लोग बात करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक तरीके अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं, उनके काम करने की शर्तें क्या है, क्या कोई नियम और विनियमन है जिनका उनका रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। कांता एक कार्यालय में काम करती है, वह सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है, उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है, इस दिन सब वेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधित निबंध और शर्तों का उल्लेख किया गया है। अब कमल एक कांता का पड़ोसी है, वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला है। वह सुबह 7:30 पर पहुंच जाता है दुकान पर और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता भी नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है, उसे कोई छुट्टी या फिर संवेतन अवकाश नहीं मिलता है, उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है और जिससे दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा जाए उसका नियुक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए भी कह सकता है। तो आप सोचिए कांता की स्थिति बेहतर होगी या कमल की? स्वाभाविक सी बात है कांता की स्थिति बेहतर होगी, कमल की स्थिति खराब होगी। एक बात और, आप लोग देख रहे होंगे कि जो लॉकडाउन के चक्कर में आपने देखा है कोरोना वायरस से कितनी बुरी तरह से कांता जैसे लोग तो परेशान नहीं हुए क्योंकि इनकी वेतन एक आ रही है फिक्स टाइम में, समझ रहे हैं इनकी मतलब आ रही है। लेकिन कमल जैसे लोग काफी हद तक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं क्योंकि जो समय इनका देखेंगे आप लोग किस टाइम जब से ये नौकरी पर नहीं गए हैं तब से इन्हें नौकरी यानी कुछ नहीं दिया जाएगा वेतन। और एक आपने देखा होगा कि न्यूनतम वेतन हमारे यहाँ लागू है अधिनियम, फिर भी आपने देखा होगा कहीं भी इस तरह का सुविधाएं नहीं दी गई। दिल्ली में भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में न्यूनतम वेतन कोई निर्धारित नहीं की गई है,
आप 2 से 4 हजार रुपये में लोगों को काम करते हुए देखेंगे महीने पे। कई दुकान अब मैंने देखा है कि 4 से 5 हजार रुपये में काम करते हैं, कहीं 2500 रुपये में। आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। नियोजित और अनियोजित यही है। एक कांता है, संगठित क्षेत्र में काम करती है, एक संगठित क्षेत्र में काम करती है, और संगठित क्षेत्र में भी उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम करते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों और विनियमों का अनुपालन भी करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ भी मिलते हैं और उसके एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अधिक वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या है? संवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार भी होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त होते हैं। यानी कि पूरी एक नियोजित व्यवस्था रहती है कि वेतन, जब आपका अवकाश चल रहा हो तब भी आपको वेतन मिले, आपके अगर बीमार होते हैं तो तब भी आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, आप जब पेंशन के लायक हो जाते हैं यानी कि एक उम्र ढल चुकी होती है तो उस समय पेंशन मिल भी मिले। इसके विपरीत अगर हम लोग कमल जैसे असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करें, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जो शब्द होता है वही उसकी परिभाषा बता देता है। संगठित यानी कि एक संगठित तरीके से काम करना, असंगठित क्षेत्र यानी कि एक फैला हुआ, कोई मतलब उसमें संगठन यानी कि उसके नियम कानून कुछ भी नहीं है उसमें, समझ रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि जो कमल है इसे अधिक काम भी करना पड़ता है। ये तो आप अपने आसपास भी देखते हैं कि जो सरकारी एक तरह से संगठित का क्षेत्र होते हैं उनमें एक समय सीमा रहती है कि इतने बजे आना है इतने बजे जाना है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र होते हैं जैसे कमल जैसे व्यक्ति, वो सुबह 6 बजे आ जाते हैं, रात में 8 बजे 9 बजे जा रहे हैं, तो उनके काम भी उनसे ज्यादा कराया जाता है और वेतन भी कम ही दिया जाता है और भी उन्हें कोई दूसरी सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी बिक्री इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। मैंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी और समय निर्धारण कर दिया गया है कि इतने समय से ज्यादा घंटे काम नहीं करना है कोई भी असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, लेकिन आप देखते हैं कि हमारा देश वो है का ना तो जहां कानून का पालन किया गया है और ना ही किया जाता है। बेकम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, संवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर आप की तबीयत खराब है और आप यहाँ से छुट्टी लेते हैं तो आपको उस दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा, समझ में आए? रोजगार सुरक्षित भी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया भी जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों की छुट्टी भी कर दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो नियुक्त करता है उसी की पसंद पर होते हैं। अगर आप उसके हटकर कोई गलत उसकी बात नहीं मानते हैं तो आपको भी हटा दिया जाता है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने छोटे छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं, और जब आप समझते हैं कि जब उन्हें जरूरत नहीं होती तो वो निकाल भी सकते हैं। वहां कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी कि आपको गारंटी दे दी गई हो। या क्वेश्चन दिए गए हैं भी देख सकते हैं आपको। अब बात करते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी काम आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणाम बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं जहां बहुत कम वेतन मिलता है, उनका पूरा शोषण किया जाता है,
उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती, उनकी आय कम है और नियमित नहीं है, इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और ना ही इसमें कोई लाभ है। सन 1990 में यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए व्यवस्थित है, अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर कानून भी बनते रहते हैं कई, लेकिन वो फॉलो किए जाए तब तो हो। ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों, कारीगरों जैसे बुनकरों और लोहारों बड़ी सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साग भंडारण सुविधा, विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। आप एक खास किसान वर्ग को देखते हैं आप लोग कि उन्हें बीज के लिए परेशान होना पड़ता है अपनी, जो भी सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि मिट्टी का मतलब उपचार होता रहना चाहिए, मिट्टी के बारे में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि मिट्टी में कौन सी खेती की जा सकती है, ये आपके अधिकार दिए गए हैं, आप मिट्टी की जांच होती है, लेकिन ये कहां नीचे तक पहुंच पाते हैं। आप देखेंगे कि सरपंच साहब को मिल रहा है अगर बीज बांटने के लिए तो सरपंच साहब खुद डकार कर बैठ जाते हैं। कभी टाइम मिलने दीजिए, एक विस्तार से बात करेंगे इस सरपंच पर, क्योंकि इसके बारे में बहुत जानकारी मैंने जुटाई है और बहुत कुछ लोगों से बात भी की है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आपके देश में क्या हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के सेवकों, निर्माण, व्यापार, परिवहन में कार्यरत आकस्मिक सेवकों और सड़कों पर विक्रेताओं का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले सेवकों, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक सेवकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता का ये मतलब है इनका नहीं है कि फ्री में दे दीजिए सब कुछ, नहीं, इनका मतलब है कि एक किसान है या फिर कोई संगठित इकाई है तो उसे समय पर ऋण मिल जाए, समय पर उसमें जो भी उत्पादन हो रहा है वो बिक जाए, उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाए, यही उसका उद्देश्य रहता है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। जब कारखाने बंद हो जाते हैं तो अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते हैं, ठेला खींचते हैं या कुछ अन्य काम करते देखे जाते हैं। आपने एक देखा होगा, क्या देखा होगा कि कृषि में भी जब निकल जाते हैं लोग समय पर, जैसे आप सोचिए कटाई या बुआई के समय ही लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद वो छूट जाते हैं तो वो कई जगह मजदूरी भी करने लगते हैं। आप देखते हैं तसला डालने का काम, मिट्टी का डालने का काम, या किसी का मकान बन रहा है तो वहां भी लग जाते हैं। हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं, इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियां हो सकती हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। आर्थिक गतिविधियों को तीन क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव को कसौटी के रूप में उपयोग किया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पादन और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजित किया गया और इस विभाजन का प्रयोग इन दोनों दो क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया जाता है। वर्गीकरण अभ्यासों से विद्वान सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे, वे समस्याओं समाधान क्या थे जिनकी ओर संकेत किया गया, क्या आप जानकारियों को निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर पाते हैं? क्षेत्र को गए इस्तेमाल की कसौटी, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, इन इंगित समस्याएं उनके समाधान कैसे किया जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीय को तृतीय क्षेत्र, कार्य का स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहता है। देखिए, याद रखिए, एक कोई भी हो प्राथमिक क्षेत्र को आप ले लीजिए, बाकी क्षेत्रों को आप देखते रहिए, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य का स्वभाव आप यहां देखेंगे किस किस की जरूरत होती है। जैसे आप ले लीजिए कि कोई फसल उगा रहे हैं तो उसके लिए क्या आधार है, आप देखिए सिंचाई मिल जाए, बीज मिल जाए, माटी में जो भी उपचार होना है, जो भी खाद बीज की जरूरत है उर्वरक की, वो मिल जाए, और जब फसल तैयार हो जाती है तब उसे आप सोचिए कि उसे जो भी फसल का मूल्य अच्छा उसे दे दी जाए, यही तो समस्या है, वो यही सबसे ज्यादा जरूरत है
यानी कि एक पूरी नियमित व्यवस्था होनी चाहिए, एक तरह से यही कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्र में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकारी सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या फिर कंपनी के हाथों में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में थी। निजी स्वामित्व में आपको रेल में अभी मैं अभी देख रहे हैं हम लोग कि निजीकरण किया जा रहा है रेलवे का। देखिए जब क्या होता है, सरकार के अगर अंडर में होती है जो कोई भी कंपनी, तो उसमें सरकार क्या कहती है कि मानव कल्याण पर अधिक ध्यान देती है, क्वालिटी पर अधिक ध्यान देती है, कि मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो निजी क्षेत्र के होते हैं वो क्या करते हैं कि पूंजी भी यानी कि लाभ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप ही सोच लीजिए कि आपको अगर सरकार मान लिया जाए और आपको देश की सुरक्षा और रक्षा हर तरह से आपकी जिम्मेदारी है, तो आप क्या करेंगे? गरीब को भूख से नहीं मरने देंगे, आप उनका भी कल्याण करने की पूरी हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन आप सोचिए, अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई धंधा खोले हुए हैं, आप अपने यहाँ चलिए गेहूं बेचते हैं, आप लोग अपना खरीदते हैं बेचते हैं, तो आपके सामने भी अगर कहीं कोई मर रहा होगा तो आप उसे भी फ्री में नहीं देंगे उस परिवार को, क्योंकि आप लाभ कमाने पर जोर दे रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर आपके अंदर मानवता है तो हो सकता है कि आप दे दें, आपकी अगर हिदायत कांप गया है जो भी आपकी हो, अगर ये आपकी अच्छाई है तो आप उसे दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं दे सकते, लेकिन अधिकतर लोग लाभ पर ही ध्यान ज्यादा देते हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामित्व स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र को ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, जो यानी कि सरकार है, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या है? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है? ज्ञात करें, इसलिए करती है। आप सोचिए, उसका काम ही यही है, आप टैक्स दे रहे हैं, उसी का काम करते हुए आप देखते हैं कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। अपने सरकार का एक कर्तव्य रहता है कि अपने देश में जो भी जनता रही है उसका पूरी तरह से पालन, मतलब उसका कल्याण, किसी को स्वास्थ्य के बिना ना मरे, शिक्षा के बिना ना मरे, भूख से ना मरे। लेकिन यह अलग बात है कि आपके देश की स्थिति क्या है, आप बेहतर मुझसे समझते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत है जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होते हैं। इन क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्रित करना भी आसान नहीं है, फिर भी यदि वे चीजों को उपलब्ध कराते हैं तो वे उनकी कीमत ऊंची रखते हैं। यानी कि जो पूंजी है, पूंजीवादी एक तरह से आप लोग इन्हें कह लीजिए, ये क्या करेंगे कि ये पूंजी यानी कि ये क्या करेंगे, लाभ पर इनका हर संभव कोशिश रहेगी कि लाभ कमाना। जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पतनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय और स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। ये अलग बात है कि अब आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है कई क्षेत्रों को सरकार के द्वारा। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की भी जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक कि सरकार उन्हें प्रोत्साहन नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से लोगों, बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां और विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपनी गोदाम में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। और आपने देखा होगा कि अगर आप लोग व्यापारियों को बेचते हैं तो वो कम मूल्य पर खरीदते हैं, क्योंकि उनका लाभ कमाना उद्देश्य है। और आपने देखा है कि अगर उनसे हम लोग बदले में लेते हैं बाद में कुछ टाइम के बाद, तो वो महंगा देते हैं हम लोग। आपने कक्षा 9वीं में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है कि सरकार लागत का कुछ
भाग बहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों को और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, यानी कि सरकार को ही करना होगा, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यमान चला विद्यालय चलाना, गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन का कुछ लाभ भी है। आप देखिए, अगर ये पूरी तरह से आप देखा जाए तो कई लाभ आपको देखने को मिलेंगे, कई नुकसान भी देखने को मिलेंगे। प्राइवेट स्कूलों की आप देखिए, आप सरकारी स्कूलों के एक शिक्षक को 40 से 50 हजार रुपये देते हैं, वही प्राइवेट में देखिए आप लोग कि 4 से 5 हजार, बहुत से वो 10 हजार रुपये में बहुत बढ़िया टीचर, आपको बेहतर टीचर मिल जाएगा और उनसे बेहतर आपको आपके बच्चों को शिक्षा देगा। अगर सरकार इनका खर्च उठाने लगे गरीबों के बच्चों का, तब तो ठीक है इस तरह से प्राइवेट हाथों में देकर। लेकिन आप सोचें कि अगर प्राइवेट हाथों में दिया है और सरकार गरीबों यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उन्हें अगर शिक्षा नहीं देती है, दिलाने का काम करती है, उन्हें मदद नहीं करती है, तो ये प्राइवेटाइजेशन अलग है। क्योंकि तब प्राइवेट स्कूल में वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति, जिनके परिवार की स्थिति काफी अच्छी होगी। ठीक, तो यानी कि सरकार और प्राइवेट दोनों अगर मिलकर काम करें तो मुझे लगता है बेहतर काम कर सकते हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से एक चौथाई गंभीर रूप से बीमार है। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है, उड़ीसा में 44 और मध्य प्रदेश में 47 का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुल कुछ निर्धनतम भागों से भी अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनता के लिए आवासीय सुविधा, भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णता उपेक्षित भागों की देखभाल करे। मुझे आपको बताया होगा, आपको कई बार मालूम भी होगा, कहा जाता है कि गंगा नदी पर जितना पैसा खर्च हो चुका है उसमें गंगा नदी निकल जाती, दूसरी गंगा नदी उसकी जगह निकल जाती, फिर भी आप देखते हैं पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं तो है नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ घपला हो रहा है। इसी तरह आप आंगनबाड़ी देखते हैं कि जो आपके बच्चों के लिए खाद्यान्न आता है उसमें से आधा वहां के जो कार्यकर्ता थे वो डकार जाते हैं। स्कूल की शिक्षा आप देख सकते हैं कि सर साहब आएंगे, टीचर साहब हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद अपने काम में भैंसे चराने के लिए या फिर कोई अपना काम करने के लिए निकल जाएंगे। एक ग्रामीण क्षेत्रों की हकीकत है। अभी कहा, मैं एक दिन बात कर रहा था कि वो कोई मुझे बता रहा था डॉक्टर कि वो मेरे सरकारी हॉस्पिटल में जो भी दवा आती है उसका आधी से बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट लोगों को बेच दिया जाता है मेडिकल पर, और उसे खरीदने के लिए बाद में बोल दिया जाता है सरकारी हॉस्पिटल से कि जाइए उस दुकान से लेकर आइए। तो आप समझिए जो सरकारी दवाई आ रही उन्हें भी बेच दिया जाता है, उनसे भी पैसा वसूला जा रहा है। तो आप स्थिति समझ सकते हैं। एक सारांश दिया गया, इसे भी देख लेते हैं। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ आर्थिक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया है। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में से किससे संबंधित है। इन सभी के बारे में आप बेहतर समझ चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या है। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि GDP में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का। लेकिन रोजगार अधिकांशतः आपको प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यह भी देखा गया है कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हमने संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर भी विचार किया है। अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं रहे और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन किया है। देखा है कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य किया। आप ये मत कहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बुरी होती हैं। अमेरिका को एक तरफ आप ले सकते हैं कि आप देखिए वहां की जो भी व्यक्ति हैं उनका दैनिक जीवनचर्या हम लोगों से बेहतर है। एक आप देख सकते हैं रूसवाद को, समाजवादी यानी कि पूरा समाजवादी संगठन है, वहां की स्थिति आप देख सकते हैं। तो आप समझिए व्यवस्था कोई भी हो लेकिन एक संगठित होना चाहिए, एक यानी कि उस पर पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए, तभी वो सक्सेस हो सकती है। और आपने देखा है कि किस तरह से अध्याय, कोई भी अध्याय देखा रहे हैं आप लोग, कितनी सरल शब्दों में लिखा गया है। कई जगह आपको उदाहरण की बात की जा रही, तो कांता कमल जैसे लोगों की कहानी बताकर आपको समझा दिया जाता है। तो बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना है, ठीक है।
ये आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देखते रहिए, और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पढ़ लीजिए, उसे भी आप लोग देखते देख सकते हैं। एक से दो बार पढ़िए और आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग आपको ना तो यहाँ खपाने की ज़रूरत है। कुछ परिभाषाएं, कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनकी परिभाषा में जानने की जरूरत होती है, उन्हें ही आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो ये आपका था क्या, दूसरा अध्याय, ठीक है। इसमें अब तीसरे अध्याय में हम लोग बात करेंगे मुद्रा, मुद्रा और साख के बारे में बेहतर तरीके से हम लोग जानेंगे, ठीक है।